माता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं, सूजी का हलवा। तो सभी लोग बनाते हैं घर में, तो आज मैंने भी वही बनाया है। और देखिए कैसा बना है, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। और देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने लिया है एक कटोरी सूजी है, चाहे महीन या मोटी जो भी हो। ये देखिए कटोरी सूजी है, एक कटोरी चीनी है, एक ही नाप की तीनों कटोरी है, और एक कटोरी देसी घी है। ये और कुछ इलायची है जिसको मैं छिलके पाउडर बनाऊंगी, किशमिश है, बादाम है, और जो गरी वगैरह आप डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अब अपनी गैस को ऑन कर लेंगे। ऑन कर लिए मैंने, और इसमें से मैं आधा घी अभी डाल दूंगी, और आधा घी में बाद में हलवा बन जाएगा तब डालूंगी। देखिए, और ये घी को मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें सूजी डालूंगी। थोड़ी कढ़ाई में थोड़ी गर्म हो जाएगी और ये घी मेल्ट हो जाएगा, और मैं इसको धीमी आंच पे सिम पे मैं इसको सूजी को भूनूंगी। और जब तक भूनूंगी जब तक ये पिंक कलर की नहीं हो जाती। अब मैं ये गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। देखिए अपनी हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम कर रखा है अभी, और थोड़ी देर में मैं इसको मीडियम से भी नीचे लो करूंगी, क्योंकि तभी जब तक सूजी अच्छी भूनती नहीं है तब तक बढ़िया हलवा नहीं बनता है। तो ये देखिए ये भून रहा है, और अब हम गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे। सूजी बिल्कुल भून चुकी है, देखिए गुलाबी रंग की हो गई। अभी मैंने इसको लो मीडियम से भूना है, इसको लगातार भूनती रही हूँ, जैसे लग जाती है जल जाती है। तो इसको भूनने में हमको करीब 10 मिनट लग गए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैं 6 कटोरी पानी इसमें डालूँगी, इसका 6 गुना पानी डालती हूँ। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है इसका, ये कटोरी सूजी है तो 6 कटोरी पानी डाला है उसी कटोरी के नाप से। और अब मैं इसको, मैंने अपनी फ्लेम को हाई कर रहा है, अब मैं इसको इसमें चलाती रहूँगी लगातार, जिससे ये सूजी इसमें पानी में फूल जाएगी। जब ये फूल जाएगी तो फिर तब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करूँगी, मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी। सूजी को भूनने में हमको करीब 10 मिनट्स लग गया था। अभी देखिए पानी डाला, धीरे धीरे ये सूजी इसमें फूल रही है। देखिए अब सूजी फूल चुकी है एकदम पानी में, और देखिए अच्छा सा वो बन गया। अब मैं इसमें अपनी चीनी ऐड कर दूँगी, मैंने जो एक कटोरी चीनी ली थी इसको ऐड कर दूंगी। और आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें चीनी मिलाते रहेंगे और हाई फ्लेम पर इसको जो है लगातार कंटिन्यू चलाएंगे। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तब मैं इसको थोड़ा लो फ्लेम करूँगी। चीनी और हलवा, सूजी, चीनी और पानी सब मिक्स कर दिया है। ये देखिए ये बन चुका है, थोड़ा सा और भूनना बाकी है, और कम से कम इसमें 7 या 8 मिनट लगे हैं, जो लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये लग जाता है कढ़ाई में। और इसको जब भी हलवा बनाएं सूजी का, तो थोड़ी भारी तले की कढ़ाई में बनाएं, हल्की में बनाएंगे तो वो जल जाता है और अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, और ये जो घी मैंने बचाया हुआ था मैं अब डालूँगी इसमें, घी डालूंगी इसमें और मिक्स करूंगी, क्योंकि भूनते समय घी पड़ता है तो फिर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं थोड़ी देर तक और भूनूंगी, 5 मिनट तक, ये कढ़ाई में से हलवा छोड़ देगा और घी बिल्कुल कढ़ाई लगेगी, एकदम साफ है, एकदम बढ़िया ये भून जाएगा।
ड्राई फ्रूट्स में ऊपर से डालूंगी। ये देखिए बस 5 मिनट और मैं इसको भूनूंगी। और थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी जो बचाया था वो भी इसमें डालूंगी। एक कटोरी सूजी में 1 कटोरी घी लग ही जाता है तभी हलवा टेस्टी बनता है। हलवा मेरी पूरी तरह से बन चुका है, बिल्कुल कढ़ाई में से ये सूजी एकदम अलग हट गई और घी देखिए गला हुआ है, बिल्कुल साफ कढ़ाई लग रही है एकदम। ये इसकी पहचान है कि मेरा हलवा बन चुका है। और अब मैं अपनी गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको सर्विस बाउल में ट्रांसफर करूंगी। देखिए सर्विस बाउल में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब मैं इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो बादाम छोटे काटे हैं और थोड़ी सी किशमिश।